सब्सक्राइब को लियानी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर ऑल एग्जाम। दोस्तों आज हम आपको ना आपके सामने उपस्थित हैं अपना नया वीडियो लेकर जो है शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में आती हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, कब वो प्रकाशित हुई, उनके लेखक कौन है, इन विभिन्न जानकारी हम इस वीडियो में आज देंगे आपको। और हाँ, आपको अगर शिक्षा मनोविज्ञान से या बाल विकास से संबंधित और अधिक जानकारी लेनी है और अधिक जानकारी आप चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो यह मेरी पुस्तक है शिक्षा प्रतियोगिता शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आपको टोटल जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों बिना कोई देर किए हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तक। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली पुस्तक के बारे में और इसके लेखक के बारे में। इसके लेखक हैं B.F. स्किनर द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, फेमस पुस्तकें हैं इनकी। और जो B.F. स्किनर हैं इनको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देने के लिए हम लोग इनको याद करते हैं। और इन्होंने एक बेबी टेंडर नाम का एक बॉक्स बनाया था जिसमें इन्होंने अपनी बिटिया जो थी उनको बैठाया और उस पर जो बच्चों पर प्रयोग इन्होंने किए। इनकी अगर प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में देखें तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक 1938 में आई थी, ये फेमस बुक है। और ये बुक लास्ट ईयर जो है टेट की परीक्षा में पूछी गई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगली जो बात करें इनकी बुक की, दूसरी बुक है इनकी शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये इनकी सेकंड बुक है, ये भी महत्वपूर्ण किताबें हैं। मैं आपको यहाँ पर केवल जो महत्वपूर्ण बुक्स है उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में आएंगी या आती हैं। उसके बाद बुक बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी, इनकी थर्ड बुक है। और नेक्स्ट बुक है इनकी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जो 1953 में आई थी। और उसके बाद द बर्बल बिहेवियर जो 1957 में आई थी। ये पांच किताबें हैं B.F. स्किनर की। अगर B.F. स्किनर की कोई किताब पूछी जाती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई ना कोई किताब पूछी जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा जो इनकी बुक्स हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953 और द बर्बल बिहेवियर, ये इनकी जो है बुक्स थी। आइए बात करते हैं हम आगे। हम अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है क्लार्क हल, ये अमेरिका के निवासी थे। और इनके द्वारा अगर पुस्तकों की बात करें तो दोस्तों क्लार्क हल के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, ये जो है इन्होंने जो है आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो मेथड है और लॉजिकल डिडक्टिव मेथड है, ये दो विधियाँ भी इन्होंने दी हैं क्लार्क एल हल ने। और इसके साथ साथ जो हल का एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये भी हल्की ही है क्लार्क हल ने जो दी थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अगर इनकी पुस्तकों के बारे में जाने तो इनकी दो पुस्तकें बहुत फेमस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक है द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये 1925 में आई थी। और इस पुस्तक के आधार पर ही हल ने मानवीय व्यवहार को जैविकीय सिद्ध किया था। ध्यान रखिएगा कभी कभी ये आ जाता है वो कौन सी पुस्तक है इनमें से जिसमें जो है मानवीय व्यवहार को जैविकीय सिद्ध किया गया। तो दोस्तों वो किताब का नाम है अ थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्लार्क हल की। इनकी दूसरी जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है अ मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोल लर्निंग, इनकी सेकंड बुक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ध्यान रखिएगा क्लार्क हल की दो पुस्तकें हैं, आपको याद होना चाहिए। दूसरी अगर अगले हम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो अगले मनोवैज्ञानिक है कुर्त कोफ्का, ये जर्मनी के निवासी थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कुर्त कोफ्का के बारे में, ये गैस्टाल्टवाद के जनक जो माने जाते हैं उनमें से ये एक हैं। और इनकी जो पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक है इनकी प्रिंसिपल ऑफ गैस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, आप इसको याद रखिएगा। अगर दूसरी बुक की इनकी बात करें तो है द ग्रोथ ऑफ द माइंड, ये इनकी सेकंड बुक है। तो ये साथ साथ इनकी दो ही किताबें हैं, इनको आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ गैस्टाल्ट साइकोलॉजी और द ग्रोथ ऑफ द माइंड। आगे बात करते हैं विलियम मैकड्यूगल की। देखिए दोस्तों विलियम मैकड्यूगल जो है ब्रिटेन के निवासी थे और इनके द्वारा जो फेमस पुस्तकें हैं, पहली फेमस पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है इनकी, ये फेमस किताब है और आई भी है एक दो बार और एग्ज़ाम में। और साइकोलॉजी इसकी बात करें आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी की, ये पुस्तक में विलियम मैकड्यूगल ने जो चेतना है, चेतना के विज्ञान को जो है एक गलत अवधारणा बताया था। उनकी सेकंड बुक है आउटलाइन ऑफ एबनॉर्मल, ये भी आपको याद रखनी है, ये दोनों इसकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। अगर हम बात करें आगे जॉन डीवी की, अगर जॉन डीवी का नाम आता है
और ये जनतंत्रीय शिक्षा और सीखने के पक्षधर थे। इनकी फेमस बुक्स की बात करें तो पहली इनकी किताब है साइकोलॉजी, जो 1886 में आई थी, ये आपको याद रखनी है। अक्सर ये किताब पूछी जाती है साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। इनकी एक पुस्तक और है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में आई है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। थर्ड बुक है इनकी प्रॉब्लम ऑफ मैन, नेक्स्ट है हाउ वी थिंक, और अगली किताब है इनकी स्कूल एंड सोसाइटी। ये इनकी बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, साइकोलॉजी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ मैन, हाउ वी थिंक एंड स्कूल एंड सोसाइटी। ये इनकी बुक्स हैं जो आपको याद यहाँ पर रखनी होंगी। आगे बात करते हैं स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल जो थे अमेरिकन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हैं, और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें पहली पुस्तक आती है एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस इनकी पुस्तक है, ये माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान के लिए ये महत्वपूर्ण देन है। और आपको मैं बताता चलूँ, स्टैनले हॉल को ही बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इनकी पहली पुस्तक है ये एडोलेसेंस, और इस पुस्तक को जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर दूसरी पुस्तक की इनकी बात करें तो दूसरी पुस्तक है इनकी सेंसेस। तो सेंसेस जो बुक है वो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद थर्ड बुक की बात करें तो इनकी जो तीसरी किताब है वो है अथियोटिकल बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। तो ये इनकी तीन पुस्तकें हैं, इसको आपको याद रखना है स्टैनले हॉल की। और स्टैनले हॉल को हम क्यों जानते हैं ये भी आपको याद रखना है। ये बाल मनोविज्ञान के जनक हैं, और एडोलेसेंस जो बुक है इनकी, और सेंसेस बुक है, और अथियोटिकल बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये इनकी किताब है, ये महत्वपूर्ण बुक्स है। आगे बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की, जो वियना ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा अगर प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें, जो इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें इनकी काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो पुस्तकें हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ये सन 1900 में इन्होंने लिखी थी, और ये बुक कई बार एग्ज़ाम में आई भी है, ध्यान रखिएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और सेकेंड बुक है इनकी इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन फिजियो एनालिसिस, ये इनकी फिजियो साइको एनालिसिस है ये बुक, इनकी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस, ये बुक आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रॉबर्ट सेंसस वुडवर्थ की, जिनको हम वुडवर्थ के नाम से भी जानते हैं। अगर उनके बारे में हम बात करें तो वुडवर्थ की जो फेमस बुक्स हैं उसमें पहली बुक है इनकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये आपको याद रखनी है वुडवर्थ की बुक, ये अक्सर ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। और जो उनकी दूसरी किताब है उसका नाम है साइकोलॉजी अ स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, ये जो बुक है ये आपको याद रखनी है। और वुडवर्थ को हम गत्यात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो वुडवर्थ हैं, उनको इसलिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, ये पेंटविल लंदन में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो पुस्तक थी, पहली पुस्तक का इनका नाम है लॉजिक, और इस पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित अपने सारे विचारों को संग्रहित किया है। ध्यान रखिएगा, लॉजिक अगर बुक आती है वो जॉन स्टुअर्ट मिल की है। और सेकंड इनकी किताब है एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड, ये इनकी सेकंड बुक है जो 1869 में पब्लिश हुई थी। ये दोनों किताबें इनकी फेमस हैं, आपको इन दोनों किताबों का नाम याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, जो मिल ने साचार्य का जो सिद्धांत दिया था, मनोरसायन सिद्धांत तथा प्रत्यक्षण सिद्धांत जो है, इन सिद्धांतों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल का। आगे बात करते हैं जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, आप केवल इनको वॉटसन भी कह सकते हैं, या वॉटसन के नाम से ही हम इनको अक्सर जानते हैं। जो वॉटसन है ये व्यवहारवादी संप्रदाय के जो हैं, मान के चलें कि आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, और व्यवहारवाद का नाम ही इनसे काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। अगर इनकी हम बात करें तो जो इनकी बुक है साइकोलॉजिकल रिव्यू, 1913 में आई थी किताब ये, और वॉटसन ने इस पुस्तक में व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को उन्होंने प्रकाशित किया, और जिसे मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों की लोक घोषणा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो व्यवहारवादियों की जो लोक घोषणा है, साइकोलॉजिकल रिव्यू को कहते हैं, जो 1913 में पब्लिश हुई थी वॉटसन की, और इसमें ही इन्होंने क्या किया था, जो व्यवहारवाद के जितने सिद्धांत थे सब सिद्धांतों को इन्होंने इसी पुस्तक में प्रकाशित कराया था। इनकी सेकंड बुक है बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन ऑफ
कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये 1914 में आई थी बुक इनकी, ये भी फेमस किताब है। अगली अगर इनकी बुक की बात करें तो अगली इनकी किताब है द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड, ये पुस्तक इनकी 1928 में आई थी, ये बुक भी आपको याद रखनी होगी। अगर बात करें हम अगले मनोवैज्ञानिक की, तो हमारे अगले मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहलाते हैं, ये पशु मनोविज्ञान के पितामह, और ये जो हैं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं, और इन्होंने ही जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, और इन्होंने बुद्धि का मात्रा सिद्धांत जो था वो भी इन्होंने ही दिया है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि का मात्रा सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और पशु मनोविज्ञान के पिता, और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हीं को कहा जाता है। इनकी पुस्तकों के बारे में देखें, जो इनकी फेमस बुक्स हैं उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो 1913 में आई थी, इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको इसको याद रखना होगा। इनकी जो दूसरी किताब है उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है इनकी फेमस बुक्स है, ये बुक कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम में। और अगली बुक की अब बात करें तो इनकी अगली बुक है इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मेंटल सोशल मेजरमेंट, ये इनकी नेक्स्ट किताब है जो 1904 में पब्लिश हुई थी, इस किताब को भी आपको याद रखना है। तो ये थी थॉर्नडाइक की जो फेमस बुक्स थी। आगे बात करते हैं ब्रूनर की। जॉर्जन ब्रूनर इनका पूरा नाम था, और इनका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ था। दोस्तों इन्होंने जो है जॉर्जन ब्रूनर ने अनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए थे, और इस पाठ्यक्रम को सर्पिल पाठ्यक्रम का नाम दिया गया, जो इन्होंने ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। और दोस्तों अगर ब्रूनर की बात करें तो इनकी जो फेमस बुक्स है उसमें दो बुक्स के नाम काफ़ी फेमस हैं, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है, और दूसरी बुक है अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। तो ये दोनों इनकी बुक्स फेमस हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जीन पियाजे की, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और देखिए जीन पियाजे का नाम जो है अगर हम देखें तो बहुत फेमस नाम है जीन पियाजे का। इन्होंने संज्ञानवादी विकास, जो विकासात्मक सिद्धांत है वो इन्हीं की देन है, इन्होंने इसको दिया है संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत। और इन्होंने खासकर बालकों पर अपना जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत काफ़ी प्रयोग किए, और आज भी जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न या तीन प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जीन पियाजे को और इनकी बुक्स के नाम के बारे में। और इनकी बुक्स के हम बारे में बात करें तो इनकी पहली किताब थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पहली किताब थी। दूसरी किताब इनकी चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी सेकंड बुक थी। और थर्ड बुक इसमें है मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड इनकी थर्ड किताब है। मेरे अनुसार थर्ड मतलब मैं बता रहा हूँ आपको इसमें जो मैंने लिखी है जो फेमस। अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने कुल मिलाकर करीब 32 से ज़्यादा किताबों की रचना की है, लेकिन ये तीन किताबें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो मैं ये आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे बात आती है विलियम मैक्स मिलियन वुंट की, जिनको हम विलियम वुंट भी बोलते हैं। ये जर्मनी के निवासी थे, और विलियम वुंट को जो है चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को कहा गया, उनको उसका पिता भी माना जाता है, या उनके प्रवर्तक कह सकते हैं। और यही वो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1879 में लिप्जिंग कॉलेज जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी, और 1880 में इन्होंने इस विषय को दर्शन शास्त्र से अलग कराया था, मनोविज्ञान को। मतलब 1880 तक ये दर्शन शास्त्र का एक अंग था, लेकिन 1880 में ये विषय दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था, ठीक। और इनकी जो फेमस बुक्स की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन, ये इनकी किताब है, ये फेमस इनकी बुक है। अगर इनकी दूसरी किताब की बात करें तो इनकी दूसरी किताब है एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये भी किताब इनकी फेमस है। और तीसरी बुक की बात करें एलिमेंट्स ऑफ फॉक्स साइकोलॉजी, ये भी इनकी फेमस बुक है। तो आपको इसको याद रखना है, जो विलियम वुंड की जो किताबें हैं और इनका और क्या क्या है शिक्षा में योगदान है, शिक्षा मनोविज्ञान में। आगे बात करते हैं हम जॉन लॉक की। जॉन लॉक इंग्लैंड के निवासी थे, और इनके द्वारा लिखी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्तों, उसमें एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये इनकी पहली किताब है जो मैंने लिखी है इसमें। और दूसरी इनकी किताब जो है थॉट्स ऑन एजुकेशन है, ये फेमस बुक है, 1691 में ये आई थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक की किताब जो है। और थर्ड इनकी बुक है एम्पिरिसिज्म, ये बुक भी एक दो बार पूछी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। इनकी तीनों ये फेमस बुक्स हैं, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और थॉट
ऑन एजुकेशन जो 1691 में आई है, और थर्ड बुक इनकी इम्पेरिज्म, ये इनकी तीनों फेमस बुक। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जॉन लॉक की, अगर ये हम बात करें तो जॉन लॉक को दोस्तों सहचार्यवादी व इंद्रिय अनुभववाद, इनको इम्पेरिसिज्म भी बोलते हैं, इसके ये संस्थापक कहलाते हैं जॉन लॉक। अगले अगर हम बात करें अगले मनोवैज्ञानिक की तो वो हैं विलियम जेम्स। इनका जन्म जो है न्यूयॉर्क में हुआ था, और इनके द्वारा अगर प्रसिद्ध लिखित पुस्तकों की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो 1890 में आई थी, इनकी फेमस बुक है, इसको आप याद रखिएगा। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स वर्दिमर, जो हंगरी के निवासी थे, और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है प्रोडक्टिव थिंकिंग, ये बुक भी जो है अक्सर पूछी जाती है। और जो मैक्स वर्दिमर हैं ये गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञान आपका गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उसके ये प्रवर्तकों में से एक रहे हैं, और उनके जो सिद्धांत हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान में मिली है। आगे बात करते हैं वॉल्फ गैंग कॉलर की, ये भी गेस्टाल्टवादी थे दोस्तों। इनके द्वारा लिखी जो फेमस बुक्स हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये अक्सर पूछी जाती है किताब इनकी जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। सेकेंड बुक की इनकी बात करें तो द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये पुस्तक भी एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है। ये फेमस इनकी बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कुर्ट लेविन, जो पोलैंड के निवासी थे दोस्तों, जो इनको कर्ट लेविन भी बोलते हैं, कुर्ट लेविन भी बोलते हैं इनको, और रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप्स डायनामिक की स्थापना इन्होंने की थी। ध्यान रखिएगा, रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप्स डायनामिक्स की स्थापना कुर्ट लेविन ने की थी, और इनके द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग नंबर एक, दूसरी है रिजॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दूसरी इनकी किताब है, तीसरी इनकी किताब है डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और इनकी जो चौथी किताब है द कंप्लीट सोशल साइंटिस्ट, ये इनकी चौथी किताब है। और ये चारों किताबें इनकी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, रिजॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट और फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये दोनों बुक्स इनकी अक्सर जो है पूछी गई हैं। आगे हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो इंग्लैंड के निवासी थे, और इनकी अगर फेमस बुक्स की बात करें तो दोस्तों जो इनकी पहली किताब है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी जो 1864 में आई थी, और यही वो पुस्तक है जिसमें स्पेंसर ने जो सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा इन्होंने इसी बुक में अपनी प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कई बार पूछा है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो हार्वर्ड स्पेंसर ने दी थी। और ये बुक कौन सी बुक में प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में, जो बुक आई थी 1864 में, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड बुक की बात करें अगर दोस्तों, सेकेंड बुक है द मैन वर्सेस द स्टेट, ये स्पेंसर की जो है सर्वश्रेष्ठ रचना कहलाती है, द मैन वर्सेस द स्टेट, ये जो पुस्तक है ये हार्वर्ड स्पेंसर की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में भी जानी जाती है। और इनकी थर्ड बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो 1855 में आई थी। ये तीन इनकी फेमस बुक्स हैं बहुत ज़्यादा, आप इनको याद रखेंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे हम बात करते हैं एडविन आर गुथरी की, इनके द्वारा भी उनकी किताबों में दो किताबें बहुत फेमस हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। पहली है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये इनकी बुक को अक्सर कई बार पूछा गया है। और इनकी अगर सेकंड बुक की बात करें तो द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये इनकी सेकंड बुक है जो पूछी जाती है। तो ध्यान रखिए, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों बुकों को आप याद रखेंगे, ये बुक अक्सर जो है पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की, तो अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे टिचनर, जो इंग्लैंड के निवासी थे, और इनके द्वारा जो पुस्तक इन्होंने लिखी टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी एक लिखित पुस्तक है और ये बहुत फेमस किताब है, तो आप उसको याद रखेंगे, ये किताब भी अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट गैने, और इनके द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है वो है कंडीशन ऑफ लर्निंग, और कंडीशन ऑफ लर्निंग ही दोस्तों वह किताब है जिसमें रॉबर्ट गैने ने जो अधिगम के आठों प्रकारों की व्याख्या की है, या अधिगम के जो आठ प्रकार रॉबर्ट गैने ने बताए हैं, जो गैने ने की हायरार्किकल जो लर्निंग है उसमें जो आठों प्रकार बताए हैं, हायरार्की जो बताई है इन्होंने, वो इसी बुक के अंदर बताई है कंडीशन ऑफ लर्निंग के अंदर, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट गैने। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों प्रेयर मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और इनकी जो अगर पुस्तक की हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक है द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ये बुक इनकी फेमस है और आप इसको याद रखेंगे, द माइंड ऑफ द चाइल्ड प्रेयर के द्वारा लिखित। आगे टेन महोदय हुए हैं, टेन जो है इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई और बहुत फेमस किताब है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट,
तो ये इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट जो बुक है, ये फेमस बुक है, इसको भी आप याद रखेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और थर्ड जो बुक अगर इसी में हम नाम लेते हैं तो गैसल का नाम आता है, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने भी जो दो किताबें हैं इनकी वो फेमस हैं, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ इनकी पहली किताब है जो काफ़ी फेमस है, और दूसरी इनकी बुक है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ये दोनों बुक भी अक्सर पूछी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड सेकंड वन इज़ गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये किताबें इनकी हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं डार्विन की। डार्विन का नाम भी लिया जाता है और हुई एक फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा, बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ एन इन्फेंट। अगर हम बात करें अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं हार्वर्ड रीड, और इनके द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है एजुकेशन थ्रू आर्ट, ये भी काफ़ी फेमस बुक है, इसको आप याद रखेंगे एजुकेशन थ्रू आर्ट को। आगे हम बात करते हैं एरिक हॉल की, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों, और एरिक हॉल के द्वारा जो लिखित पुस्तक है द रोल ऑफ द टीचर, इस पुस्तक को एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, इनकी फेमस बुक है कि एक टीचर का क्या रोल होता है, इस बुक में के अंदर बताया गया है। आगे हम बात करते हैं हमारे क्लिमफोर्ड बियर्स जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है अ माइंड दैट फाउंड इट्सेल्फ। ध्यान रखिएगा अ माइंड दैट फाउंड इट्सेल्फ, ये 1908 में आई थी, और सर्वप्रथम जो मानसिक स्वास्थ्य शब्द था उस शब्द का प्रयोग इसी पुस्तक के अंदर किया गया था। क्लिमफोर्ड बियर्स की ये पुस्तक थी, इसके अंदर सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जॉन हॉल्ट की। जॉन हॉल्ट के द्वारा भी लिखित एक पुस्तक काफ़ी फेमस है, हाउ चिल्ड्रन फेल, ये 1964 में आई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक पूछी गई है जॉन हॉल्ट के द्वारा। नेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो नेक्स्ट बुक है इवान इलिच के द्वारा लिखित पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये भी पुस्तक को एग्ज़ाम में एक दो बार पूछा गया है। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी लिखी है, ये 1971 में इवान इलिश की पुस्तक है जो 1971 में आई थी। अगर बात करें लिव वाइगोत्स्की की, तो दोस्तों लिव वाइगोत्स्की के द्वारा लिखित पुस्तक है थॉट एंड लैंग्वेज, ये इनकी पुस्तक है, फेमस बुक है, आप इसको याद रखिएगा, लिव वाइगोत्स्की की है। और अगली हम बात करें रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल गोइकिल के द्वारा लिखित पुस्तक है साइकोलॉजिया। सो जो साइकोलॉजिया जो बुक इन्होंने लिखी थी, ये 1590 में लिखी थी, और दोस्तों साइकोलॉजिया ही वो बुक है जिसके अंदर सर्वप्रथम 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, इसको आप ध्यान रखिए, रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक साइकोलॉजिया जिसके अंदर सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं गिलफर्ड महोदय की। गिलफर्ड महोदय के द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है जनरल साइकोलॉजी, याद रखिएगा ये किताब भी एग्ज़ाम में पूछी गई है कि जनरल साइकोलॉजी के लेखक कौन है, वो गिलफर्ड महोदय हैं। अगर आगे बात करें हम सीए हल की बात करते हैं, सीए हल के द्वारा अगर लिखित प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो बुक इनकी है, काफ़ी फेमस बुक है, आप इसको याद रखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों रूसो की, अगर रूसो के द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें एमिल, दोस्तों बहुत फेमस किताब है और बहुत बार पूछी गई है, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आती है कि एमिल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके पुस्तक रूसो हैं, सॉरी उसके लेखक रूसो हैं, आप इसको याद रखिएगा, रूसो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे बात करते हैं अरस्तु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक की, तो उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है दोस्तों वो है डी एनिमा, तो डी एनिमा जो है पुस्तक थी इनकी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये पुस्तकें थी और महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, ये देखिए जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए इनकी जो फेमस बुक्स हैं वही मैंने इसके अंदर बताई हैं, और ये आप लैपटॉप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरी पुस्तक है प्रतियोगिता शिक्षा शास्त्र एवं बाल मनोविज्ञान, ये प्रकाश पब्लिकेशन बरेली से प्रकाशित है, और इसी के अंदर ये सारी बुक्स के बारे में मैंने डिटेल दी है, आप इसमें और पढ़ सकते हैं, और ये बुक अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, आप इसको वहाँ से मंगा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, धन्यवाद।